वेलकम टू विनीताज किचन। चलिए आज बनाते हैं हम मिक्स दाल। तो उसके लिए हम घर में जो भी दालें बची रहती है उसको एक डब्बे में डालते जाइए, और वो राजमा हो, चाहे छोले हो, चाहे काले चने हो, जो भी है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सारे इकट्ठे करते जाइए और फिर एक दिन उसको बना डालिए लंच के लिए या डिनर के लिए। तो मैंने वो सारे दाल भिगो के रखे हैं और उसे मैं कुकर में 4-5 सीटी डाल करके पका लूँगी और फिर उस दाल में मैं तड़का लगाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका क्या प्रोसीजर है। थैंक यू। अब आप देख सकते हैं कि ये दाल उबल गई है, इसे हमने कुकर में उबालने के लिए रखा था, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। मिक्स दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने टमाटर कटे हुए प्याज, अदरक और लहसुन, 5-6 लहसुन, ये मैंने मिक्सी में डाला है। इसे अभी मैं पीस करके मसाला तैयार करूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल में मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, अब 2 तेज पत्ता, इसका तड़का लगा दूंगी। अब मैंने मसाला पीसा था, जो प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का, ये इसमें डाल करके और इसे थोड़ी देर भून लूंगी। इसमें 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक, नमक हमने पहले उसमें भी डाल दिया था, दाल में भी डाल दिया था, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये डाल करके हम अच्छा से इसे मसाले को भून लेंगे। और उतारने के पहले हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला तैयार हो गया है, भून गया अच्छी तरह। अब इसमें हम जो उबला दाल उबाल करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। डाल करके इसे हम अच्छा से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 10 मिनट बॉईल होने देंगे, ताकि ये मसाला जो है वो चना, राजमा, दाल वगैरह है उसमें अच्छी तरह से घुस जाए। ये तैयार है गर्मा गर्म मिक्स दाल। इसे आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।